खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर राज नारायण सिंह ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को ईवीएम मशीनों के रैंडमाइजेशन को लेकर एक सुझाव पत्र दिया है। इसमें उन्होंने ईवीएम मशीनों की दूसरे चरण के रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को कमीशनिंग के बाद कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान प्रक्रिया के तहत दोनों चरण के रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की जाती है। कमिश्निंग करते समय उसे बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जिसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस प्रत्याशी ने मांग की है कि ईवीएम मशीनों की कमिश्निंग करने के बाद दूसरे चरण का रैंडमाइजेशन होना चाहिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता आएगी। उन्होंने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग की है। कलेक्टर खंडवा को एक पत्र दिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के मामले में यानी होता ये है कि ये बहुत टेक्निकल इशू है कि साहब इसमें मोटी गड़बड़ी हो सकती है और वोट की भी हेराफेरी हो सकती है कि कमिशनिंग के बाद सेकंड रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया की जावे, क्योंकि कमिशनिंग के लिए हमारी मशीनों को बाहरी डिवाइस से जोड़ा जाता है, जो कि हमारे शक एवं गड़बड़ी की आशंका को और मजबूत करता है। अतः चुनाव पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो सके, इस हेतु निवेदन है कि चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन करने की कृपा करें। क्योंकि इसका अनुभव हमारा पिछले चुनाव में ये रहा है कि जहाँ पे पिछले चुनाव में बहुत मोटे मोटे वोटों से चुनाव में सात सौ वोटों से वहाँ 200 से जीते, और इसीलिए हमने ये चिट्ठी लिखी है कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। हम कोई ऐसी किसी को ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक प्रकार की ये शंका है, तो इसलिए हमने कलेक्टर खंडवा को पत्र दिया है और इसकी एक कापी हमने जो है निर्वाचन आयोग को भी दी है और दूसरे अन्य कलेक्टरों को भी इसकी कापी भेजेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।